नमस्कार साथियों, धरती को कर्मलोक भी कहा जाता है। यहां मनुष्य के अलावा बाकी सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के फलों के अनुसार अपना कर्म भोग प्राप्त करने के लिए जीते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रारब्ध का भोग करने के साथ साथ इस जन्म में सत्कर्म और पूजा पाठ करके अपने कर्मानुसार अगला जन्म भी साध लेता है। मनुष्य अपने सत्कर्मों की वजह से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाकर परम धाम अर्थात स्वर्ग का भी सुख प्राप्त कर सकता है। बाकी सभी प्राणियों को जब तक मनुष्य जन्म नहीं मिलता और वह सत्कर्म नहीं करता, तब तक उसे बार बार इस मृत्यु लोक में अनेक अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने प्रारब्ध का भोग करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में सत्कर्म और पूजा पाठ करने के बहुत से विधान बताए गए हैं। सनातन धर्म में दिन, तिथि और महीने का भी अलग अलग महत्व और स्थान होता है। 12 महीनों में सबसे पवित्र महीना कार्तिक माह को माना जाता है, जो इस बार 17 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक का अर्थ है सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक। सबसे सुंदर राधा रानी है और सबसे मनमोहक भगवान कृष्ण है। कार्तिक माह में इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को जिस भी चीज की अभिलाषा हो, वह यदि कार्तिक माह में धार्मिक ग्रंथों में बताए नियम अनुसार विधि विधान से पूजा करता है तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान जमीन पर सोना लाभकारी माना जाता है। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन कार्तिक महीने में बिल्कुल भी न करें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों कार्तिक महीने में प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख कर दे दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार पत्नी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा गूंथ कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरे आटा की रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की जाकर अपनी मां को यह सारी बात बताई। मां ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। ब्राह्मण जब खाना खाने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की मां दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहां से लाए, सारी दुनिया ताने मारती थी अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निह संतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं? बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि चाबी दे दो। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, कार्तिक के ठाकुर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 30 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला झप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हैं? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक के ठाकुर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला झप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, एक तरफ बहू बेटा खड़े हो जाए और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाए, माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और माँ का दूध निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन जाए, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और माँ के दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने वाले सब पर कृपा करना।